बिल्कुल एकदम सत्कार करो भाई, सर पर श्याम भाई को सभी आदिवासी को आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस के अवसर पर हमारा मुद्दा भारत का जो हिंदी चैनल है उसको जो है सम्मानित किया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के जो है सुरेंद्र उपाध्याय जी उनकी तरफ से हमें सम्मानित किया गया है और हिंदी भाषी सेल के जो हम जो है सभी को बधाई देना चाहते हैं और हिंदी भाषी सेल के अध्यक्ष जो हैं संतोष तिवारी जी उनको भी बधाई देते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी दिवस पर हम यही कहेंगे कि हिंदी जो है एक राष्ट्रीय भाषा है, हम देश के कोने कोने में जाते हैं तो हम हिंदी के सपोर्ट से जो है हम एक दूसरे से संपर्क में हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे हैं। विश्व की तीसरी बोली जाने वाली भाषा है, तो ऐसे हिंदी दिवस के अवसर पर हम यही कहेंगे कि हिंदी भाषा अपना जो मातृत्व भाषा है वैसे ही बना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा भारत का, मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। आज हिंदी दिवस है, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं हिंदी भाषी नेता समाज सेवी उद्यमी श्री सुरेंद्र उपाध्याय जी। उपाध्याय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये महाराष्ट्र प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं एनसीपी के, और तिवारी जी हैं हिंदी भाषी सेल के जिला अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी भाषियों के प्रति, हिंदी लोगों के प्रति। हमारी चूंकि देवनागरी लिपि है, जिस राष्ट्र में महाराष्ट्र में हम रहते हैं, मराठी हमारी भाषा है, मातृभाषा है यहाँ की, और हिंदी और मराठी एक माँ और मौसी की भूमिका में हैं। और भी लोग यहाँ हैं, सिंधी भाषी भी हैं, मराठी भाषी भी हैं, लेकिन मैं उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूँ या आपके जो विचार हैं हिंदी भाषा के प्रति या हिंदी भाषियों के प्रति, देश के प्रति, थोड़ा आप हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। सभी देशवासियों को सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की शुभकामना देता हूँ। हिंदी आज हमारे पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में बोली जाती है, आप दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक चले जाइए, सब जगह हिंदी में ही ज़्यादा करके विशेष करके बातचीत किया जाता है। तो हिंदी एक दूसरे को समन्वयक है, जो मतलब मराठी भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। तो आज हिंदी दिवस है, तो मैं सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आप हिंदी भाषी सेल के जिला अध्यक्ष हैं एनसीपी के, हिंदी भाषियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मिश्रा जी, बाकी सब तो आप बता दिए हो। मेरे तरफ से आज हिंदी दिवस के अवसर पर सभी हमारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।